ओम नमः शिवाय दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो, उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एक कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा वो सूख गया, और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है, वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा, उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर समर्पित करी, उसी भस्म को हम उठा कर लिया। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाए तो वहां से भस्म लिया, कभी उज्जैनी जाए तो वहां से भस्म लिया। उस भस्म को हम यदि अपनी नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, जीवन में अगर आप मात्र एक महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको यदि एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिए। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए, ये काम होना ही चाहिए, काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा, एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर, जहाँ परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में, कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर, आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव। ये नियम है कुंद कैश्वर महादेव का, ये कुंद कैश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंद कैश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो, बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिल, उसको धन्यवाद दो बाबा बार बार, हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद उठते से कहो। शिव को प्रिय है पुष्प में आंख का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प, सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है,
हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है, महाराज अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं, मणिभद्र, शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल है मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ, जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज, उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए, शंकर भगवान को शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए, शिव जी को उसको वापस लेकर आ जाइए, उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15-20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए, जम के बोलिए सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए, 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय, और ना चांदी का ना स्टील का ना लोहे का ना प्लास्टिक का ना कांच का ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का ना एल्युमिनियम का ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए वो है तांबे का, काय का पात्र होना चाहिए तांबे का पात्र, और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए, अगर कोई कैंसर का मरीज है जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो, आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, हार्ट आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए, आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है उसकी जो किरण आपके हृदय पर आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही, एक महीना लगातार चढ़ाओ तो, 15-20 दिन कर तो देखो, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर, हाथ कितने इंच ऊपर,
8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। 2 महीना, 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे, बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।